वेलकम बैक टू अनदर गेम थ्योरी वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने लेस्टर के साथ मिलके लॉस सैंटोस के सबसे बड़े गैंगस्टर और अपने सबसे बड़े दुश्मन डगन बॉस को मास्टरमाइंड प्लान से एक बॉम्ब ब्लास्ट में मार डाला। और अब हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी हमारा दुश्मन अब जिंदा नहीं बचा है। और खैर इतना कोई पावरफुल आदमी भी नहीं है जो हमसे पंगा ले पाए। मिलिट्री की बात अलग है, वो अलग पावरफुल है। बाकी यार जो भी हो, उस बॉम्ब ब्लास्ट में डगन बॉस तो मारा ही गया, बट साथ में अपना एक बहुत खास दोस्त भी मारा गया। पर उसके मरने का मुझे इतना दुख नहीं है क्योंकि वो खास तो था बट बहुत मतलबी था। आज नहीं तो कल वो हमें जरूर धोखा देता, उससे बढ़िया है कि वो मर ही गया। बाकी अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहां पर आ रखा हूं और मेरे हाथ में कौन सा ब्रीफ केस है। तो ये ब्रीफ केस मुझे उसी फ्रेंड ने दिया था जिसको हमने डगन बॉस के साथ ही मार दिया। अब पता नहीं इस ब्रीफ केस में उसने क्या दिया है, खैर कुछ बहुत ज्यादा खास ही होगा जो कि अभी मैं चल के इसे खोलूंगा। बाकी ये वाला जो घर है कि डगन बॉस का हुआ करता था, बट अभी ये बिग माफिया के भाई ने ले लिया है। मैं तो सोच रहा था कि ये घर मैं ले लूं, बट लेस्टर ने में मना कर दिया कि इसी को लेने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी मुझे यहां से चलना होगा और साथ ही इससे कुछ इंपॉर्टेंट मुझे बात भी करनी है जो कि सच्ची में कुछ ज्यादा खास है। ऑलराइट, तो डील के अकॉर्डिंग बिग माफिया के भाई ने मुझे पूरे के पूरे $1 million इस बैग में भर के दे दिए हैं। और यार अभी मुझे यहां से निकलना चाहिए, तो इसे लास्ट बाय बोलते हैं और यहां से चलते हैं। वेट, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर कौन से $1 million और कौन सी डील की मैं बात कर रहा हूं। तो यार देखो, मैंने इसे साफ साफ बोल दिया है कि अगर अभी तुझे लॉस सैंटोस में अपना बिजनेस चलाना है तो हमारे नीचे काम करना होगा और हर महीने हमें $1 million पे करने ही होंगे बेमतलब के, जो कि ये लोग पहले हमारे साथ करते थे। और इससे हमारा बहुत ज्यादा फायदा रहेगा और साथ ही हम लोग बिग माफिया के बॉस रहेंगे, तो ये चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर आप लोग एक बार यार इसके पास गाड़ियां देखो कितनी ज्यादा है, हमारे पास भी यार इतनी ज्यादा गाड़ियां मेरे हिसाब से होनी चाहिए अपने पास अभी। ओ तेरी, वेट 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 वेट, मैं अपना एक बैग तो ऊपर उसके रूम में ही भूल आया, मुझे जल्दी से वो बैग लेकर आना होगा यार। और गाइस आज तो वैसे भी साल का लास्ट डे है, तो पक्का एक न्यू ईयर पार्टी तो बनती है। और आज के दिन मेरे और भी काफी सारे प्लान्स हैं, बट उससे पहले ब्रीफ केस ले लेते हैं। चल भाई बाय बाय, मिलते हैं सीधा अब नेक्स्ट मंथ, क्योंकि मैं दोबारा आने वाला हूं यहां पर $1 million लेने के लिए। खैर उसको इस बात का बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि उसे भी मालूम है अगर वो हमारे नीचे नहीं काम करेगा तो उसको भी बहुत ज्यादा खतरा है यहाँ के गुंडों से। अभी मेरे को ऐसा लगता है लोग बस हमसे ही डरने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर अब कोई गैंगस्टर बचा ही नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। बाकी यार अभी यहाँ पर इसकी काफी सारी गाड़ियां तो खड़ी है, बट मेरे हिसाब से ना मुझे इसकी जी वैगन में जाना चाहिए, ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है व्हाइट कलर की। जल्दी से अंदर चलते हैं, अपने बैग्स वगैरह भी अंदर ही रख देंगे। और भाई एक तो ना पुलिस की साउंड सुन के ऐसा डर लगता है क्योंकि अभी 1-2 घंटे पहले ही हम लोग बहुत खतरनाक बॉम्ब ब्लास्ट करके आए हैं और ऐसा लगता है बस पुलिस हमें ही पकड़ने ना आ रही हो। खैर सब कुछ ओके है, अभी हमें कैसे पकड़ लेगी यार, लेस्टर का मास्टरमाइंड प्लान था, ऐसे कैसे ढूंढ लेगी पुलिस। बाकी मैंने जैसा कि बताया था कि मेरे पास अभी आज के दिन काफी सारे प्लान्स हैं, तो मैं सबसे पहले आपको प्लान्स बताता हूं। यहां से सीधा मैं जाने वाला हूं अभी रॉल्स रॉयस के शोरूम में और हम लोग वहां पर जाके खरीदने वाले एक नई रॉयल कार, सबसे महंगा मॉडल या फिर सबसे लेटेस्ट मॉडल उठा लेंगे। खैर रॉल्स रॉयस तो यार कोई भी हो महंगी तो होगी। उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं एक नया घर खरीदने के लिए, क्योंकि जैसा कि आप लोग को, अबे यार ये पुलिस वालों ने सायरन बजा बजा के लोगों की सबकी गाड़ियां रुकवा रखी है बीच रास्ते में। तो हाँ अपना सेकंड प्लान है एक नया घर खरीदने का, क्योंकि यार मेरे को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारे नीचे जो बंदा काम कर रहा है उसके पास इतना बड़ा मेंशन है और हमारे पास वही छोटा पुराना घर। तो इसीलिए आज हम लोग एक नया क्या लॉस सैंटोस का सबसे महंगा घर खरीदने वाले। और फिर माइकल की फैमिली भी वापस आ रही है, तो उसको सरप्राइज देने के लिए हम लोग आज एक पार्टी भी करने वाले हैं उसी घर में। बाकी ये मेरी गलती नहीं थी यार, वो खुद ही मेरी गाड़ी में आकर ठुके हैं और उनकी गाड़ी कहाँ चली गई और अपनी गाड़ी में एक भी डेंट ही नहीं आया भाई, कसम से ये गाड़ी भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है, फुल पावरफुल कार है। तो हाँ पार्टी होने वाली है और पार्टी में भी अपने सारे दोस्तों को मैं बुलाने वाला हूँ। यार आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा मस्ती भरा होने वाला है, दिन में एक नई गाड़ी, एक नया घर और रात में न्यू ईयर की मस्त पार्टी, वो भी नए वाले घर में नई गाड़ी के साथ। लेट्स गो, जल्दी से पहुंचते हैं इसीलिए शोरूम। बट हाँ मुझे अपनी गोल्ड बिजनेस पे भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। आप लोग को याद होगा कि डगन बॉस के पास एक बहुत बड़ी गोल्ड माइन शॉप थी जहां से वो गोल्ड माइन करके बेचता था, तो हमें उसी का बिजनेस आगे कंटिन्यू करना है ताकि हम लोग भी वहां से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा पाए।
बाकी अपना फरारी वाला शोरूम है वो तो ठीक ठाक चल ही रहा है, बट हाँ उससे पहले पहुंचते हैं लॉस सैंटोस, बाकी की बाद में देखेंगे। वेल, तो अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाला हूँ सीधा रोल्स रॉयस के शोरूम में। बस मुझे यहाँ से शायद थोड़ा सा आगे और जाना है, बाकी मुझे इस कार की स्पीड कम कर लेनी चाहिए वरना एक्सीडेंट तो हो सकता है बट नुकसान सामने वाले का ज्यादा हो जाएगा। बट हाँ थोड़ा बहुत ध्यान से अपनी गाड़ी को चलाते हैं। बाकी जहां तक मुझे लगता है शोरूम यहीं कहीं पर आसपास होना तो चाहिए, और लेट्स गो, हम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। जल्दी से अपनी गाड़ी अंदर लेकर चलते हैं। और एक बार ही आप लोग ध्यान से देखो, शोरूम के बाहर ही काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है भाई लोगों की। यहां पर काफी सारे लोग आए हुए हैं गाड़ी खरीदने के लिए भी और उसे देखने के लिए भी। बाकी अभी जल्दी से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर मुझे कौन सी कार लेनी चाहिए। वैसे जो मैं प्लान कर कर आया हूँ वो तो सबसे टॉप मॉडल है जो कि शायद से यही वाली है। मैं एक बार ही पहले यहाँ से पूरी डिटेल्स ले लेता हूँ। ओके, तो अभी मेरी से बात हो चुकी है और मैंने यहां पर इन चारों गाड़ियों की प्रॉपर डिटेल्स इससे ले लिए। वैसे तो ये सारी की सारी गाड़ियां आपको देखने में काफी सिमिलर सी दिख रही होगी, बट ये चारों गाड़ियां प्रॉपर डिफरेंट कार्स है। ये फर्स्ट वाली है रोल्स रॉयस फैंटम, जो कि इस पूरे शोरूम की सबसे महंगी कार है, और ये कार सच्ची में बहुत ज्यादा बड़ी है। यहाँ दिख नहीं रही होगी बट जब मैं से किसी नॉर्मल कार के साथ खड़े करूंगा ना तब आपको उसका एक्चुअल साइज पता चलेगा। और ये सेकंड येलो वाली है, ये है रोल्स रॉयस डाउन, ये थर्ड वाली है रोल्स रॉयस घोस्ट, और ये फोर्थ वाली है रोल्स रॉयस क्लीनन, जो कि एक एसयूवी है। खैर मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा महंगी रॉयल कार खरीदने के लिए आया था बट वो अभी इनके पास अवेलेबल नहीं है, जो कि है रोल्स रॉयस फैंटम लिमोजिन। मतलब वो सेम ऐसी कार है बट एक्सटेंडेड है, मतलब बहुत ज्यादा लंबी है सेम इसी डिजाइन में। तो अभी उसका ऑर्डर मैंने यहाँ पर दे दिया है क्योंकि वो ऑर्डर पे ही कार बनकर आती है किसी दूसरी कंट्री से। फिलहाल के लिए अभी मैं ये खरीदने वाला हूँ जो कि है रोल्स रॉयस घोस्ट, ये भी काफी ज्यादा बढ़िया कार है। एक बार अंदर चल के देखते हैं इसका इंटीरियर वगैरह। भाई क्या खतरनाक कलर इसका मेरे को मिल गया है। वैसे यहाँ पर कार तो मुझे सबसे अच्छी वो व्हाइट एंड ब्लैक वाली लग रही है जो कि फैंटम है, बट कलर की वजह से मुझे ये कार ज्यादा प्यारी लग रही है। अभी एक बारी आप लोग गाड़ी का इंटीरियर देखो भाई, कितना ज्यादा प्यारा है, जबकि अभी इसकी एम्बियंट लाइट्स भी ऑन नहीं है। जब वो ऑन हो जाएगी तो फुल इंटरस्टेलर वाली लुक आने वाली है टॉप पे। खैर अभी जल्दी से इस कार की पेमेंट करते हैं और इसे लेकर चलते हैं एक नया घर खरीदने। ऑल डन, तो गाड़ी की पूरी पेमेंट यानी कि $1 million मैंने यहाँ पर पे कर दी है, जो कि मुझे बिग माफिया के भाई से मिले थे, और अपनी गाड़ी भी यहाँ पर डिलीवरी के लिए रेडी हो चुकी है। बाकी अगर देखा जाए इंडियन करेंसी के हिसाब से तो इस गाड़ी का प्राइस है पूरे के पूरे 7.5 करोड़ रुपीस। बाकी गाड़ी अपनी कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है, लेट्स गो यार, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है इसे देखने का, अभी अपनी हो चुके जितना मर्जी देखेंगे। फिलहाल अभी इसे जल्दी से लेकर चलते हैं अपने नए वाले घर को खरीदने के लिए। तो अभी मैंने इससे फ्लास लेकर अपनी गाड़ी के आगे ही रख दी है। बाकी मैं ये कह रहा था कि यार नया घर खरीदने से पहले घर देखना भी तो होगा, ऐसे थोड़ी कि जाते ही कोई भी घर खरीद लेंगे। फिलहाल अभी मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, लेट्स गो, जल्दी से इस गाड़ी को लेकर चलते हैं, इस शोरूम से सबसे पहले बाहर निकालते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैं अपनी रोल्स रॉयस घोस्ट को शोरूम से बाहर लेकर आ चुका हूँ, और एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये गाड़ी सच्ची में बहुत ज्यादा हैवी है और चलने में बहुत ज्यादा स्मूथ है। खैर असली स्मूथनेस तो इसकी रोड पे ले जाके हमें मालूम पड़ने वाली है, तो देरी किस बात की, जल्दी से इसे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार इस गाड़ी में ऐसी क्या खास बात है जो कि बाकी किसी कार्स में हमें देखने को नहीं मिलती। बट यार जो भी हो, यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा संभाल के इसे चलाना पड़ेगा। खैर एक बार आप लोग बगल में देखो, ये बगल वाली सुपर कार इसके बच्चे लग रही है। मतलब यार देखा जाए इस गाड़ी का एक्चुअल साइज सच्ची में बहुत ज्यादा बड़ा है बाकी कार से। मतलब ये एक एसयूवी है, इसको भी देखो, अंदर तो ये गाड़ी एक नॉर्मल साइज की लग रही थी बट बाकी कार से कंपेयर करने के बाद इस गाड़ी का एक्चुअल साइज हमें पता चल रहा है। खैर अभी मैं बातों में गलत जा रहा हूँ, पहले मैं सोच रहा था कि मुझे चल के एक नया घर खरीदना चाहिए, बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार घर खरीदने से पहले ना हमें माइकल का हेयर स्टाइल ठीक कराना चाहिए, क्योंकि अभी फुल माफिया वाली बातचीत तो आ चुकी है इस गाड़ी को लेने के बाद, बट माइकल का हेयर स्टाइल यार थोड़ा सा ना पुराना, मतलब कुछ फ्रैंकी टाइप का यार, गुंडे बदमाश वाला है, बट हमें चाहिए माफिया वाला फुल एकदम टोन, तो उसके लिए माइकल का पुराना वाला हेयर स्टाइल ही बेटर था। जल्दी से चलते हैं, मस्त कराते हैं हेयर स्टाइल, फिर उसके बाद चलेंगे नया घर खरीदने, और डेकोरेशंस वगैरह करानी है यार, क्योंकि आज रात को पार्टी है, बहुत सारा इंतजाम करना है, तभी सारे लोग मिलके चिल मार पाएंगे। लेट्स गो, जल्दी से पहुंचते हैं। बाकी यार ये गाड़ी क्या, वेट यार, कुछ ज्यादा स्मूथ नहीं चल रही है गाड़ी, मतलब इसकी स्पीड ऐसा नहीं है कि कम है, अभी एक नॉर्मल मोड पे चल रही है ये, चाहे तो लैम्बो जैसी भी बन जाएगी अगर स्पोर्ट्स मोड पे जाएगी, बट नॉर्मल मोड में इसमें ज्यादा मजा आ रहा है यार, क्या पता ही नहीं चल रहा, गाड़ी की स्पीड भी बढ़ रही है, कम में भी वही मजा आ रहा है,
तेज स्पीड में भी वही स्मूथनेस आ रही है इस कार के अंदर। अभी बातों ही बातों में मैं अपनी गाड़ी को लेके सलून पहुंचने भी वाला हूँ, बट बातों ही बातों में मैंने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भी मिस कर दी, और वो है बिग माफिया के भाई की जी वैगन, जो कि मैंने रोल्स रॉयस के शोरूम के बाहर ही खड़ी छोड़ दी है। फिलहाल उसके बॉडीगार्ड को मैं बोल दूंगा वो अपना यहाँ से आकर ले जाएगा, बाकी हम लोग शोरूम पहुंच चुके सलून पहुंच चुके हैं। मैं हटा लो यार, अपनी गाड़ी पार्क करनी है, मुझे एक मिनट नहीं लगेगा। लेकिन सबके सब यहाँ पे ट्रैफिक लगा के बैठे हैं यार, थोड़ी बहुत माफिया वाली बातचीत बनानी पड़ेगी कि बंदे गाड़ी देखते ही अपनी गाड़ी को 100 किलोमीटर दूर पहुंचा दे, बस इतना डर होना चाहिए कम से कम। वैसे 100 किलोमीटर ज्यादा हो गया, बट ठीक है, ज्यादा भी चलेगा। लेट्स गो, गाड़ी को एकदम आगे पार्क कर देते हैं। ये आ रहा है ना भाई मजा आज, कसम से इस गाड़ी में घूम के अलग ही फील आ रही है। फिलहाल बैग भी अंदर ही रखा हुआ है। लेट्स गो, देरी किस बात की, जल्दी से बैठते हैं सीट पे और हेयर स्टाइल करवा देते हैं वही पुराने वाला। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैंने अपना वही पुराना मस्त हेयर स्टाइल करवा लिया है और काफी ज्यादा बढ़िया फुल माफिया लुक आ रही है। खैर जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि आज अपने पास बहुत कम टाइम है और हमें जल्दी से जल्दी जाकर एक नया घर खरीदना है, वहां पर डेकोरेशन करवानी है, फिर सभी लोग को इन्वाइट करना है, स्पेशली माइकल की फैमिली को, और फिर उसके बाद आने वाला है असली मजा उस पार्टी में। खैर यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लग गई है इस कार को देख के, बट हाँ मुझे जल्दी से भी यहाँ से निकलना होगा। तो गाइस अभी मैं जाने वाला हूँ सीधा सबसे बेस्ट बंदे के पास, जो कि इस काम में फुल माहिर है और वो हमें एक ही बार में सबसे बढ़िया घर दिलवा सकता है। और उसका ऑफिस है इस मेज बैंक टावर में, जो कि लॉस एंटोस की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। तो देरी किस बात की, जल्दी से पहले वहां पे पहुंचते हैं। गाइस मान लो कि आपके पास दो ऑप्शंस है, लैम्बोर्गिनी या फिर रोल्स रॉयस, तो आप इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे मुझे नीचे कमेंट्स में जाके जरूर बताना। खैर ये मत लिखना कि दोनों चूज करेंगे, क्योंकि मैं भी दोनों ही चूज करने वाला हूं। तो आप लोग एक गाड़ी का कमेंट करके मेरा कंफ्यूजन दूर करो भाई जल्दी से। खैर अलग अलग रीजन के लिए यूज होती है भाई, ये थोड़ी माफिया कार है और थोड़ी रॉयल कार है, वो एक सुपर कार है रेस वेस वाली। खैर अभी मैं आ तो चुका हूँ मेज बैंक टावर, बट मैं फ्रंट साइड से नहीं आया हूँ, मैं एक्चुअली बैक साइड से आ गया हूँ, इसीलिए मुझे अपनी गाड़ियों को यहाँ पर सीढ़ियां उतार के जाना पड़ रहा है एंट्री वाली साइड पे। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ये गाड़ी फुल एकदम बनी शादी से लिए है। लेट्स गो, अभी जल्दी से अपनी गाड़ी यहीं पर खड़ी करते हैं और सीधा लिफ्ट पकड़ के चलते हैं उस बंदे के ऑफिस में। यार मेरा जो ब्रीफकेस है ना, वो भी गाड़ी में ही रखा हुआ है, बस वो कोई चुरा ना ले, और अभी तक मैंने उसे खोल के नहीं देखा है कि आखिर उस ब्रीफकेस में है क्या। खैर अभी आगे चेक करेंगे, फिलहाल अभी जल्दी से यहाँ पर लिफ्ट पकड़ के चलते हैं डायरेक्ट उसके ऑफिस में। लेट्स गो। वेल अभी मैं इस लिफ्ट में बैठ के आ चुका हूँ मेज बैंक टावर के फ्लोर नंबर 24 पे, जहां पे अपने दोस्त का ऑफिस है, और इस बिल्डिंग से समझ लो पूरे का पूरा लॉस सैंटोस नजर आता है। खैर इसने काफी ज्यादा बढ़िया ऑफिस बना रखा है, यहाँ पर काफी सारे लोग काम करते हैं, कुछ इस टाइप का ऑफिस हमारे पास भी होगा थोड़े टाइम में जब अपना गोल्ड वाला बिजनेस बढ़िया चलेगा। तो बाकी वो है नहीं कि बैठा हुआ पीछे मुझे नजर नहीं आ रहा, और ये देखो